हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू एडवांस टॉपिक सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग विथ वॉल्यूम प्राइस एक्शन। सप्लाई डिमांड जोन के साथ हम प्राइस वॉल्यूम प्राइस एक्शन से कैसे ट्रेड करेंगे। तो पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है? सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लाइन पे ड्रॉ कर रहे हैं। सप्लाई एंड डिमांड हम जोन पे ड्रॉ करेंगे, एरिया। तो सपोज प्राइस इधर से ड्रॉप हुआ तो ये हमारा सप्लाई जोन हो गया, नीचे ड्रॉप, फिर अप, फिर अगेन डाउन, अगेन ये सप्लाई जोन। इधर से प्राइस गैप अप होके ऊपर चला गया तो ये डिमांड जोन। तो ये सप्लाई जोन, ये डिमांड जोन। ये सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आया, फिर अगेन डिमांड जोन से ऊपर गया, अगेन सप्लाई जोन से नीचे आया, अगेन डिमांड जोन, ये ब्रेक हुआ। ये जब डिमांड जोन ब्रेक हुआ, नेक्स्ट सप्लाई जोन के पास चला गया, उधर से अगेन रिजेक्शन मिला उसको। और ये जो सप्लाई जोन ब्रेक होकर डिमांड जोन बना, अगेन प्राइस इधर से रिवर्सल हुआ। तो बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन में ड्रा करते हैं और सप्लाई एंड डिमांड हम जोन पे ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करना है आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये लॉजिक को समझिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन हमारे चार्ट में क्यों प्लॉट होता है, क्यों है। तो ये चार्ट में चलिए हम समझते हैं कि सप्लाई डिमांड जोन क्यों चार्ट में है। जोन फॉर्म होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। तो जब प्राइस इधर से चला गया, देखिए इतने कितने बड़ा बड़ा कैंडल में जा रहा है, तो इसका मतलब इधर कोई खरीद रहा है, बड़ा आदमी जो स्मार्ट मनी इधर खरीद रहा है, इसलिए वो खरीद उनका ऑर्डर बड़ा रहता है, ह्यूज रहता है। तो प्राइस ऐसे ही स्पीडली मूव करेगा। मूव होने के बाद ही हमको ये पता चलेगा कि ये डिमांड जोन है, क्योंकि इधर से स्मार्ट मनी खरीदे है। सेकेंड पॉइंट, अगर वो कुछ चीज इमीडिएटली खरीदना चाहते हैं तो एग्रेसिवली बाय करेंगे। तो एग्रेसिवली बाय या सेल करने से प्राइस ऐसे ही मूवमेंट में रहेगा। तो एग्रेसिवली ये जब बाय किए तो प्राइस ऐसे ही ऊपर चला गया। थर्ड पॉइंट, उनका ऑर्डर बहुत बड़ा रहता है। सपोज कुछ 1000 ऑर्डर इधर वो बाय करेंगे, 1000। तो 1000 ऑर्डर ये मार्केट ऑर्डर में प्लेस करने से ये कैंडल में कुछ 500 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ये कैंडल में कुछ 300 ऑर्डर उनका एग्जीक्यूट हो गया, और इसमें और 200 फिल हो गया। तो टोटल जो 1000 प्लेस किए थे ऑर्डर, तो ऐसे ही एग्रेसिवली 500, 300, 200 ऐसे फिल हो गया उनका ऑर्डर, तो 1000 हो गया, क्योंकि उनका बड़ा ऑर्डर है और स्प्लिट हो जाएगा। तो इसलिए सप्लाई एंड डिमांड जोन चार्ट में है, क्योंकि ये स्मार्ट मनी का एग्रेसिवली जो ऑर्डर प्लेस किए, उनका भी ह्यूज ऑर्डर है, इसलिए जोन फॉर्म हुआ है। तो कहीं भी आप इतना बड़ा बड़ा कैंडल देख रहे हैं तो उसका ओरिजिन कहाँ है उसको आप ड्रा करना है सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए। कैसे ड्रा करेंगे हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को प्राइस क्यों आएगा, यो प्राइस रिटर्न करके क्यों आएगा, क्योंकि जोन फॉर्म होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि ये सप्लाई जोन है या डिमांड जोन है। जैसे इधर ये प्राइस जोन ये फॉर्म हो गया, प्राइस जब चला गया तो हमको पता चलेगा कि ये डिमांड जोन है। तो प्राइस ये डिमांड जोन को क्यों आएगा, उसका आंसर है कि पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर। पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर मतलब अभी जो डिस्कस की थी कि सपोज इधर 1000 उनका ऑर्डर है, तो इधर से वो 1000 ऑर्डर डाल देने से उनका 500 ऑर्डर इधर तक एग्जीक्यूट हो गया। सपोज इधर 200, इधर 100, इधर 200, तो टोटल 500 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। होने के बाद वो क्या किया, नहीं ये फाइव और जो रिमेनिंग 500 ऑर्डर वो निकाल दिए। क्यों निकाले, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस ये जोन से बहुत दूर तक जा चुका है, अभी इधर बाय करेंगे तो उनके लिए उतना चीप में नहीं मिलेगा, तो इधर से वो 500 ऑर्डर निकाल दिए, तो रिमेनिंग इधर 500 ऑर्डर है, इसको पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर बोलते हैं। जब
प्राइस इधर से निकल दिया 500 ऑर्डर, तो प्राइस इधर रेंज में या अपने आप नीचे आएगा, क्योंकि हम बाद में डिस्कस करेंगे क्यों प्राइस नीचे आएगा। जब प्राइस नीचे आएगा तो उनका पेंडिंग 500 ऑर्डर इधर ये जोन पे है, तो ये जोन में वो रिजेक्शन लेके प्राइस फिर ऊपर जाएगा। तो इसलिए प्राइस सप्लाई एंड डिमांड जोन को रिटर्न करता है या टेस्ट करता है एटलीस्ट वन टाइम्स, उससे ज्यादा करता है मगर एटलीस्ट वन टाइम्स सप्लाई एंड डिमांड जोन को टेस्ट करता है, क्योंकि स्मार्ट मनी का पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर पड़ा हुआ है, उनका पूरा ऑर्डर फिल करने के लिए प्राइस नीचे और एक बार आएगा, टेस्ट करेगा। देखिए इधर स्मार्ट मनी सेल करना स्टार्ट किए, सपोज इधर उनका 1000 ऑर्डर था और सेल करना स्टार्ट किया, इधर तक 500 ऑर्डर फिल हो गया, जब फिल हो गया रिमेनिंग 500 है और निकाल दिया क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बहुत नीचे आ गया। तो उसके बाद प्राइस इधर से थोड़ा रेंज में घुमा, अगेन इधर से बायर्स आ गए, तो ये डिमांड जोन बन गया, क्योंकि इधर से होने के बाद ही पता चलेगा कि डिमांड जोन। जब प्राइस ऐसे ही स्ट्रांगली मूव देके ऊपर चला गया तो हमको ये पता चला कि ये डिमांड जोन है, तो हम ये डिमांड जोन ड्रा किए और इधर सप्लाई जोन ड्रा किए। जब प्राइस डिमांड जोन के पास सप्लाई जोन के पास है तो हमको बाय नहीं करना है, सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, नहीं तो जोन ब्रेकआउट देके जब टेस्ट करेगा तब हम बाय करेंगे। नेक्स्ट डे प्राइस इधर गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर जाके सप्लाई जोन को टेस्ट करके प्राइस नीचे आ गया डिमांड जोन के पास, और ये जो डिमांड जोन फॉर्म हुआ था इधर से प्राइस रिजेक्शन लिया लेके फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन पहले ड्रॉ करना है और वेट करना है कि प्राइस उधर आए, कंफर्मेशन करे कि एक्चुअली उनका पेंडिंग ऑर्डर है या नहीं है। अगर पेंडिंग ऑर्डर है तो हमको वॉल्यूम प्राइस एक्शन से एंट्री लेना है। ये सब आगे जाके सब डिस्कस करेंगे, जस्ट पहले आपको बेसिक समझ लीजिए। ऑन द नेक्स्ट पॉइंट कि हमको सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड क्यों करना है। फर्स्ट पॉइंट ये कि तो हमको रिस्क रिवार्ड फेवर है। सेकंड पॉइंट क्या है, चलिए हम चार्ट में डिस्कस करते हैं। तो प्राइस ऐसे ही स्ट्रांगली मूव दे रहा है ऊपर, तो अभी आप क्या करेंगे? तो जो हम रिटेल ट्रेडर है ये सोचेंगे अरे प्राइस ऑलरेडी इतना स्ट्रांगली मूव कर रहा है तो हम बाय कर लेते हैं। फियर ऑफ अ मिसिंग अपॉर्चुनिटी, अरे हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको पता नहीं है, तो ठीक है हम बाय कर लेते, नहीं मिलेगा तो फिर मिस कर देंगे प्रॉफिट, तो हम लोग इधर बाय कर किए। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर वो क्या करेंगे, अरे अभी बाय करेंगे तो प्राइस ऑलरेडी इधर से इतना दूर आ गया शायद ये डिमांड जोन है, तो हम वेट करते हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए। अगर डिमांड जोन है जब प्राइस नीचे आएगा हम इधर से ट्रेड करेंगे, ये प्रोफेशनल थिंकिंग। हम लोग का थिंकिंग ये है कि नहीं प्राइस ऑलरेडी ऊपर चला गया है प्रॉफिट मिस कर देंगे, स्ट्रांग मूव दे रहा है हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस डाउन आया एक कैंडल, अरे ठीक है इतना स्ट्रांग ट्रेंड है ना एक ही कैंडल तो बनता है, सेकेंड कैंडल आएगा डाउन, अरे हम लॉस कर रहे थोड़ा एग्जिट हो जाते हैं, जो रिटेलर्स का थिंकिंग। और जो साइड में रिटेलर से बैठे अरे इतना बड़ा मूव दे दिया हम सेल करते हैं उसको, फिर नीचे आ गया तो जो इधर बाय किए थे ऑलरेडी वो लॉस में है, प्राइस नीचे आ गया ये जोन के पास आ गया प्राइस। अभी का सिचुएशन क्या है, जो ऑलरेडी इधर बाय किए थे वो पूरा इधर सेल करके मतलब एग्जिट हो जाएंगे, रिटेल ट्रेडर अभी क्लोज करेंगे उनका पोजीशन क्योंकि ऑलरेडी वो लॉस में है, बहुत सारा लॉस में है। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो क्या करेंगे, नहीं अभी प्राइस डिमांड जोन के पास आ गया है हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है बाय कर लिए, अगर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम बाय करेंगे क्योंकि हमारा लॉस लिमिटेड है, कम रहेगा इधर से।
जब प्राइस इधर से ऊपर जा रहे तो प्रोफेशनल ट्रेडर बाय करेंगे। तो आप लोग को या हम लोग को प्रोफेशनल की तरह सोचना है कि हमको कहाँ ट्रेड लेना है कहाँ नहीं लेना है। बीच में मत लीजिए, क्लियर प्री डिफाइंड सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट कीजिए, वेट कीजिए जोन के पास प्राइस आने के लिए, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कीजिए कि हमको बाय करना है या सेल करना है। बीच में ट्रेड करने से आपको एक तो रिस्क ज्यादा है, किससे हट जाएगा वो भी गारंटी नहीं है। तो जब प्राइस ऊपर चला गया तो प्रोफेशनल मार्क किया कि ये डिमांड जोन है, जब प्राइस नीचे आया डिमांड जोन से वो बाय किया। अभी जैसे लास्ट में चेक किए थे, जब ये सप्लाई जोन फॉर्म हुआ तो रिटेलर्स क्या करेंगे, जब प्राइस डाउन हो रहा है तो सेल करेंगे, उसके बाद वो प्राइस ऊपर जाएगा तो लॉस हो जाए उनका। जब सप्लाई जोन के पास प्राइस है तो वो सेल करेंगे। प्रोफेशनल एस्टेब्लिश्ड सप्लाई जोन के पास सेल करेंगे, नीचे आएगा उनको प्रॉफिट मिला, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगेन जब डिमांड जोन के पास आया वो इधर से बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, बाइंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, मिल रहा है तो फिर बाय करेंगे। प्राइस जोन टू जोन मूव होता है, अगर ये जोन ब्रेक देता है तो नीचे जोन को जाएगा, अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक देता है तो नेक्स्ट ऊपर सप्लाई जोन को जाएगा। ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, प्राइस ऊपर से इधर से रिटर्न आया है और स्ट्रांगली प्राइस नीचे आ गया, तो हमको ये सप्लाई जोन है, तो हमको ड्रा करना है सप्लाई जोन। और इधर से प्राइस ऊपर चला गया है तो इधर हमको, तो हम जोन ड्रा कर दिए कि इधर से प्राइस रिटर्न आया है और स्ट्रांगली मूव नीचे आया है तो ये सप्लाई जोन है, और इधर से स्ट्रांगली अप मूव ऊपर गया है तो ये डिमांड जोन है। जब आज जब प्राइस ओपन हुआ ऊपर जाएगा, सप्लाई जोन से रिजेक्शन मिला और नीचे आया, और अभी ये डिमांड जोन के पास है। तो डिमांड जोन के पास है ये मतलब नहीं है कि हम ब्लाइंडली बाय करेंगे, हमको अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। ये टाइम फ्रेम 30 मिनट्स का है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में सप्लाई एंड डिमांड जोन ढूंढना है और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड लेना है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। तो हम जोन फाइंड आउट किए थे, तो प्राइस इधर से रिजेक्शन मिला और नीचे आ गया और ये डिमांड जोन में है। सेम आपको निफ्टी भी चेक करना है तो आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेली 30 मिनट्स 5 मिनट्स आप चेक करना है। तो हम पहले 30 मिनट्स को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट्स में आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट करना है। तो प्राइस इधर क्लोज दिया था, आज हाई गैप ओपन होकर इधर ओपन हुआ तो ये सप्लाई जोन है, क्योंकि प्राइस इधर से नीचे आया है और ये एक डिमांड जोन था। और नेक्स्ट डिमांड जोन, ये कैसे फाइंड आउट करना है हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या आज, ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम डायरेक्ट सप्लाई जोन में ओपन हुआ, प्राइस रिजेक्शन मिला, नीचे आ गया, नीचे ये डिमांड जोन का आया, ये डिमांड जोन होल्ड नहीं किया और नीचे आ गया, और ये डिमांड जोन के पास अभी प्राइस है और ट्राई किया था ब्रेकआउट देने के लिए, इधर से रिजेक्शन मिला है ये डिमांड जोन से। तो कौन सा डिमांड जोन होल्ड करेगा, कौन सा ब्रेकआउट देगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये डिमांड जोन देखिए दो कैंडल में बना है, मतलब इधर पेंडिंग ऑर्डर बाकी है, तो नेक्स्ट टाइम जब जाएगा इधर से रिजेक्शन मिलेगा। और ये जो डिमांड जोन बना है ये देखिए कितने कैंडल में बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अराउंड 8 कैंडल में बना है, मतलब इधर से जो बाय या सेल किए थे उनका ऑर्डर ऑलरेडी फुल एग्जीक्यूट हो गया है, तो उनका पेंडिंग ऑर्डर इधर नहीं है, जब प्राइस नीचे आया डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया। तो आगे जगह हम ये सब डिस्कस करेंगे अच्छे से।
तो आज हम सप्लाई डिमांड क्या है, हमारे चार्ट में क्यों है, प्राइस क्यों रिटर्न आता है सप्लाई एंड डिमांड जोन को या टेस्ट करता है, और हमको क्यों लेना है सप्लाई एंड डिमांड जोन से ट्रेड एंट्री, ये चारों पॉइंट हम आज डिस्कस किए। और नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा सप्लाई एंड डिमांड जोन होल्ड करेगा या प्राइस को रिजेक्ट करेगा, जो गुड जोन वर्सेस बैड जोन, प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड जोन के पास कि हमको सप्लाई जोन में सेल करना है, डिमांड जोन में बाय करना है, और सप्लाई एंड डिमांड जोन फाइंड आउट कैसे करना है, ड्रॉ कैसे करना है, ये सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।